चुनाव का बिगुल बजते ही हिमाचल प्रदेश में पर्यवेक्षक नियुक्त सचिन पायलट की भूमिका अहम मानी गई है। उन्हें न सिर्फ बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में हराना है बल्कि एक कुशल नेतृत्व का भी प्रदर्शन करना होगा, जिसके लिए उनका राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का दावा मजबूत हो सके। कांग्रेस आलाकमान को नाराज कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विश्वसनीयता अब संकट में है। फिर भी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में उनकी रणनीति और परफॉर्मेंस पर सबकी निगाहें हो रहेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक चरण में चुनाव होगा। 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और 29 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगले विधानसभा चुनाव में अभी करीब एक साल है, लेकिन फिर भी सरकार अभी एक दो बार आए सियासी संकट में घिर चुकी है। साथ ही अगले चुनाव में फिर से सत्ता पाने की कोशिश भी जारी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी करीब 20 दिनों से प्रदेश में गुजारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के साथ वो यहाँ 6 जिलों में होते हुए करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। राहुल की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर में प्रस्तावित है। प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले के भवानी मंडी उपखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स में प्रवेश करेगी। इस यात्रा का रूट झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, दौसा और अलवर जिलों से गुजरेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पैदल यात्रा अलवर बॉर्डर से हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में अभी तक राहुल गांधी और सचिन पायलट की जुगलबंदी ही दिख रही है। शुरुआत में सीएम अशोक गहलोत भी राहुल के साथ कदम ताल कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा ना लेना और राजस्थान में 102 विधायकों का आलाकमान के खिलाफ जाना उन्हें राहुल गांधी से दूर चुका है। ऐसे में राजस्थान में अशोक गहलोत के सियासी भविष्य पर सवाल उठना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।